वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th सब्जेक्ट SST पॉलिटिकल साइंस, चैप्टर नंबर 6 पॉलिटिकल पार्टीज, पार्ट नंबर 6। टॉपिक इज सम नेशनल पार्टीज। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि नेशनल पार्टीज किसे कहते हैं, कौन सी नेशनल पार्टी, कौन नेशनल पार्टी होती है। तो 7 फरवरी 2020 के अकॉर्डिंग हमारी 8 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। लेकिन एनसीईआरटी की बुक के अनुसार हम देखते हैं हमारी टेक्स्ट बुक में, अकॉर्डिंग टू द 2017 देयर आर द 7 नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। हमारे एनसीईआरटी बुक के अनुसार देखते हैं तो 2017 तक हमारे यहाँ पर 7 पॉलिटिकल पार्टी जो है वे नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। तो अब हम देखते हैं 1 by 1 करके कि नेशनल पॉलिटिकल जो पार्टीज है इनकी क्या एक्टिंग, इनकी आइडियोलॉजी है और इनका क्या प्रिंसिपल्स है, किस बेस पे ये रूलिंग करती है। तो नाउ वी डिस्कस द टुमारो द नेशनल पार्टी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस INC एंड भारतीय जनता पार्टी BJP। तो आज हम ये दो नेशनल पॉलिटिकल जो पार्टीज हमारी, इसका हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले है INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और सेकेंड हमारी BJP, भारतीय जनता पार्टी। नंबर वन इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को हम शॉर्ट में INC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। कब बनी, कैसे बनी, इस पॉलिटिकल इंटरनेशनल पॉलिटिकल पार्टी का थोड़ा हम पास देखते हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ द वर्ल्ड, तो इट मीन्स ये अकेली पार्टी नहीं थी, इससे पहले और भी कई पुरानी पार्टी थी। यानी वन ऑफ द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, ये उन सबसे पुरानी पार्टियों में से एक पार्टी है, ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ द संसार की, जो 1885 में, जो 1885 में ये एक पार्टी जो बनी, जो पहले एक ऑर्गेनाइजेशन था, हम कह सकते हैं कि ये एक पार्टी नहीं थी, ये एक ऑर्गेनाइजेशन था जो कि हम इंडियन के लोगों के द्वारा नहीं, जबकि एक अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा इसको बनाया गया था। कांग्रेस एक ऑर्गेनाइजेशन बना था और जिसको बनाने वाले थे एक अंग्रेज जो अधिकारी थे, उसका नाम था AO Hume। जो AO Hume थे, AO Hume ने कांग्रेस का एक ऑर्गेनाइजेशन किया था जो बाद में चलकर एक पार्टी का रूप ले लिया था। प्लेड, अब इसकी क्या इसका रोल है, प्लेड ए डोमिनेंट रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स एंड द नेशनल एंड स्टेट लेवल फॉर सेवरल डिकेड्स आफ्टर द इंडियंस इंडिपेंडेंस। लीडरशिप पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसे क्या जानते हैं, डोमिनेट रोल इस INC, इंडियन नेशनल जो कांग्रेस पार्टी थी, इसका एक रोल रहा है डोमिनेट का इन द इंडियन पॉलिटिक्स, जो भारतीय राजनीति के अंदर रहा। ये न केवल एक नेशनल पार्टी है जबकि स्टेट के अंदर भी ये एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, जो लगभग दस साल को वन डिकेट बोलते हैं। तो सेवरल डिकेट्स आफ्टर इंडियंस इंडिपेंडेंस, तो
भारतीय स्वतंत्रता के बाद में ये जो एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो INC है, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, वे नेहरू परिवार से तेजी से इसमें इम्ब्रेज हुआ, एक विकास हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस पॉलिटिकल पार्टीज को उठाने में बहुत योगदान दिया, या वी कैन से हम कह सकते हैं कि जो नेहरू फैमिली थी उस नेहरू फैमिली का एक विशेष योगदान रहा। बिल्ड ए मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिया, और इसकी क्या आइडियोलॉजी है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी है उस इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी जो के प्रिंसिपल्स है कि बिल्ड ए मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक, वे एक आधुनिक धर्म निरपेक्ष लोकतांत्रिक समाज की संरचना करना चाहता है। मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन इंडिया, रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र, जो हमारा प्रेसिडेंट होता है ये इलेक्शन के द्वारा किया जाता है, इसलिए हमारा जो कंट्री है और कंट्री इज ए रिपब्लिक कंट्री। तो INC जो कंपनी है उसकी एक आइडियोलॉजी है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है उसकी एक आइडियोलॉजी है कि बोल्ड द मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेसी, वह एक आधुनिक धर्म निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतंत्र भारत को बनाने का प्रयास करता है। कौन? INC। और क्या है? ए सेंट्रलाइज्ड पार्टी इन इट्स द आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन, जो ये जो INC है एक सेंट्रलाइज्ड पार्टी है जिसकी जो जो आइडियोलॉजी है ये ओरिएंटेशन टाइप की है। किस टाइप से? ओरिएंटेशन की है। द पार्टी एस्पोक्स द सेकुलरिज्म एंड द वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन एंड द माइनॉरिटी। वीकर सेक्शन जो INC है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है, इसका एक अपनी आइडियोलॉजी है। क्या आइडियोलॉजी है? कि इसकी आइडियोलॉजी है कि जो आपके वीकर सेक्शन है, कमजोर वर्ग के जो लोग हैं और जो माइनॉरिटीज में हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जो अल्पसंख्यक संख्या में कम है और जो वीकर सेक्शन को बिलोंग करते हैं, उनका वेलफेयर करना है। वेलफेयर माने उसका कल्याणकारी योजना लेके आनी है। अर्थात हम कहते द सपोर्ट ऑफ द वीकर सेक्शन एंड द माइनॉरिटी सेक्शन फॉर द वेलफेयर वर्क बाय द INC पार्टी। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का की जो आइडियोलॉजी है ये है वीकर सेक्शन और माइनॉरिटीज को उसको वेलफेयर करना, उसको अपग्रेड करना, ये उसका एक वर्ग है। सपोर्ट दी इकोनॉमिक रिफॉर्म विद द ह्यूमन फॉर्म, और क्या उसके अंदर है? सपोर्ट द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म विद द ह्यूमन फॉर्म, ह्यूमन फॉर्म के द्वारा ये न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, नई आर्थिक तकनीकी का विकास भी करना चाहती है, करना चाहिए, उसका सपोर्ट करती है, उसको सपोर्ट करती है। रूलिंग पार्टी के 1977, 80, 19 एंड 2014 देन प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपोजिशन पार्टी, जो INC जो पार्टी है, जो इंडियन पॉलिटिकल, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी है, इसने देश के आजाद होने से, इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री, अर्थात कह सकते हैं कि 1947 से लेकर 1977 तक, देश के आजाद होने के बाद, जो 1952 में फर्स्ट इलेक्शन होते, देश के आजाद होने, देश की आजादी से लेकर 1977 तक, 1977 तक शासन किया, उसके बाद में 80 और 80 के बाद में 80-90 तक, क्योंकि 1997 में फिर जनता दल का शासन आ गया था बीच में, तो यहां तक इसने एक लॉन्ग पीरियड तक इसने इंडिया के अंदर शासन किया, और उसके बाद में 200
2004 and 2014 2004 के अंदर फिर ये रूलिंग पार्टी आई और उसने शासन किया और 14 के अंदर उसके बाद में इसका जो एक गठबंधन बना 2004 में 2004 में जो इसका एक एलिमेंट बना दैट इज कॉल्ड द यूपीए माने उसका जो आपका यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलिमेंट है ना, जो एक प्रगतिशील जो एक गठबंधन बनाया और जिसने इस्तेमाल किया। देन द प्रिंसिपल 14 के बाद में ये पार्टी यानी कि अपोजिशन की पार्टी निभा रही है, फिर बीजेपी पार्टी रूलिंग पार्टी। प्रिंसिपल ऑफ द अपोजिशन पार्टी 14 के बाद 2014 2014 के बाद में ये जो पार्टी है ये पार्टी एक अपोजिशन पार्टी के रूप में काम करती है। इसी प्रकार से दूसरी पार्टी हम नेशनल पार्टी देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जिसको हम शॉर्ट में बीजेपी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बीजेपी बोलते हैं। जैसे बीजेपी का जो सिंबल है जो कमल का फूल है, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका जो आपका सिंबल्स है जो पंजा है, हाथ का पंजा है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का है। और भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा लोटस है, कमल का फूल है, इसका हमारा ये एक सिंबल है जो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जो इलेक्शन कमीशन। अब देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं बीजेपी, देखते हैं ये बीजेपी कैसे फॉर्मेशन हुई। फाउंडेड इन 1980 बाय द रिवाइविंग भारतीय जनसंघ, फाउंडेड बाय द श्याम प्रसाद मुखर्जी। जो भारतीय जनता पार्टी है ये भारतीय जनता पार्टी जब बनी उससे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन था, क्या था? एक ऑर्गेनाइजेशन था, एक संगठन था, उसका नाम था भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ का जो फाउंडर था उसके नाम था श्याम प्रसाद मुखर्जी। कौन थे? श्याम प्रसाद मुखर्जी जो थे वे भारतीय जनसंघ के फाउंडर थे, जिसने इसका एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया, जो बाद में 1980 के अंदर 1980 में जो भारतीय जनसंघ था वे कन्वर्ट हो गया और किसमें हो गया? भारतीय जनता पार्टी में कन्वर्ट हो गया। तो हम कह सकते हैं कि बीजेपी पार्टी का जो गठन हुआ, बीजेपी पार्टी जो बनी वे 1980 के अंदर बनी। किसमें बनी? 1980 के अंदर भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ। इससे पहले भारतीय जनसंघ नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन था, संगठन था, जिसका निर्माण जिसका आपका श्याम प्रसाद मुखर्जी के द्वारा इसको बनाया गया। नेक्स्ट, इंस्पायरेशन फ्रॉम द इंडियन एंशिएंट कल्चर एंड द वैल्यूज। इस बीजेपी पॉलिटिकल जो पार्टी है इसकी अपनी एक आइडियोलॉजी है, क्या कि इंस्पायरेशन किसके लिए हमें प्रेरणा देती है कि इंडियन एंशिएंट कल्चर जो हमारे प्राचीन काल की जो भारतीय जो हमारी कल्चर है, जो संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, उसको उसके लिए हमें इंस्पायरेशन करती है, इससे हमको प्रेरणा दिलाती है कि हमें अपने एंशिएंट इंडियन कल्चर को सेव करना है, उसको बचाए रखना है और उसको हमें इंप्लीमेंटेशन लागू करना है। तो इंस्पायरेशन फ्रॉम द इंडियन एंशिएंट कल्चर और उसके जो वैल्यूज है, भारतीय जो इंडियन जो कल्चर की जो हमारी वैल्यूज है, जो पूरा होल कंट्री यानी पूरा कंट्री में जो है, जो फॉरेन कंट्री में इसको मानते हैं, भारतीय की जो प्राचीन जो संस्कृति है उस संस्कृति को विदेशी लोग भी इसको मानते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी कल्चर है, कल्चर नेशनलिज्म, और साथ में जो हमारी कल्चर है वे राष्ट्रवाद का हमें एक प्रेरणा स्रोत है, राष्ट्रवाद का रहता है, या हम कहते हैं हिंदुत्व, हमें हिंदुत्व का एक इंस्पायरेशन के लिए बताता है कि हम वास्तव में हिंदू है, हिंदू है।
या हिंदुत्व के स्लोगन्स दिए जाते हैं, ऐसे नारे दिए जाते हैं। हिंदुत्व की बात करने वाली एक पार्टी इंटरग्रेटेड ऑफ द जम्मू कश्मीर, जम्मू और कश्मीर, ये जम्मू और जो कश्मीर का जो मसला चला रहा है, जो स्पेशल स्टेट का जो उसको एक लेवल दिया गया है, उस जम्मू एंड कश्मीर जे एंड के को इंटरग्रेटेड करना चाहती है कि जो स्पेशल जो दर्जा है उसको हटाना चाहते हैं कि स्पेशल दर्जा नहीं मिले। ये भी एक अपने आप में एक स्वतंत्र ऐसा राष्ट्र, स्वतंत्र नहीं स्टेट का यह हम कह सकते हैं कि बने, और ऐसा बीजेपी ने कर दिया है जो उसमें 370 जो आर्टिकल है उसको खत्म कर और जे एंड के को आज यूनियन टेरिटरी में बांट दिया है, जिसका एक पार्ट लद्दाख और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर, दो यूनियन टेरिटरी उसको बांट दिया, जो इसने अपने आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग काम किया है। यूनिफॉर्म सीट पॉइंट फॉर द ऑल इंडियन पीपल्स, ऑल इंडियन पीपल्स, तो भारत में जितने भी लोग रह रहे हैं, जो भी इंडियन सिटीजन है, भारत में रहने वाले सब लोगों के लिए एक सिविल कोड जारी करता है, सब लोगों को कानून की दृष्टि से समान मानने वाली एक पॉलिटिकल पार्टी है, इसके तरफ कोई भी किसी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन को नहीं मानती। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द ऑल पीपल, ऑल पीपल्स को मानना है कि लिविंग ऑफ द पीपल इन द बाउंड्री ऑफ द इंडिया, कि भारत देश के अंदर जो भी निवास करने वाले जो पीपल है उन सभी के लिए सिविल कोड जारी किया जाए, सभी लोग कानून की दृष्टि से समान हो, सभी के ऊपर एक ही नियम बनाया जाए। बैन ऑन द रिलीजियस कन्वर्जेंस, बैन करती है रिलीजियस धर्मांतरण के ऊपर, ये रोक लगाती है कि जो धर्म की बात करता है उस धर्म के ऊपर बैन लगाती है। बैन मतलब होता है कंट्रोल, कि ये देश को धर्म के ऊपर बांटना नहीं चाहती, तो बैन ऑन द रिलीजियस कन्वर्जेंस मानू करती है बीजेपी पार्टी। कम टू पावर इन 1998 एज द लीडर ऑफ द नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस एनडीए, एनडीए की फुल फॉर्म है नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस, ये एनडीए का एक ग्रुप बनाया है, इस एलियंस बनाया, गठबंधन बनाया, क्योंकि 1998 से पहले ये रूलिंग पार्टी नहीं थी। सबसे पहले इंडिया में बीजेपी पार्टी जो रूलिंग पार्टी के रूप में उभर कर आई वे आई थिंक 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय सबसे पहले बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया में, जो कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सरकार का जो रूप जो धारण किया था, जो सबसे पहले 1998 में आई। तो कम टू द पावर, सबसे पहले पावर्स में आई, यानी देश में शासन किया था 1998 एज द लीडर ऑफ द नेशनल डेमोक्रेटिक एलिमेंट, यानी एनडीए का रूप बनाकर और बहुत से दलों को सम्मिलित करके ये पावर्स में आए। लार्जेस्ट पार्टी 2014 और 2014 के अंदर एक फिर ये पावर्स के अंदर आए और एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभर आ गए। जैसे बताया कि 2014 में INC इंटरनेशनल कांग्रेस इलेक्शन में डिफीट हो गई और बीजेपी पार्टी यानी कि विन हो गई, जीत गई। एट प्रेजेंट रूलिंग पार्टी इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2019-20। अब एट प्रेजेंट में आज देखते हैं तो आज जैसे हमारे जो इलेक्शन हुए थे, जो जनरल इलेक्शन हुए थे 2019 में, उसमें बीजेपी पार्टी एक उभरकर पार्टी आई और आज एट प्रेजेंट में बीजेपी जो पार्टी है वे रूलिंग पार्टी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि भारत में सेंट्रल में इस समय बीजेपी एक रूलिंग पार्टी है, जो 2019 जो इलेक्शन हुए थे उसमें जीतकर आई। तो ये कुछ हमने आइडियोलॉजी स्टडीज की है, हम कुछ सब नेशनल पार्टी इस प्रकार से आज हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस और आपकी जो भारतीय जनता जो पार्टी है इसकी हमने कुछ आइडियोलॉजी पढ़ी कि क्या क्या आइडियोलॉजी है, क्या इनके प्रिंसिपल्स हैं और किस प्रकार से इनके कौन कौन फाउंडर्स हैं और किस प्रकार से ये रूलिंग और अपोजिशन की भूमिका निभाई, तो इसका हमने आज से ऐसे अध्ययन किया। नेक्स्ट जो पॉलिटिकल पार्टीज है
जो हमारी और पॉलिटिकल पार्टी थी उनको भी हम इसी प्रकार से वन बाय वन करके हम उसको स्टडी करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको अच्छा लगा तो आप उसको लाइक करना, शेयर करना, और कोई प्रॉब्लम्स और क्वेरीज हो तो आप कमेंट्स करना, आपके हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया जाएगा। और आप एंडिंग स्कूल सतीश कुमार के चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।